सरकार ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को अपने नियंत्रण में लिया। पुलवामा हमले के बाद बढ़े वैश्विक दबाव के बीच पाक सरकार ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को अपने नियंत्रण में ले लिया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। शहीद जवानों को याद कर भावुक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, मंच पर ही छलके आंसू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत रविवार से, किसानों को मिलेगा 2000 रुपए की पहली किश्त। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह और बेटे अखिलेश यादव की संपत्तियों की जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। पुलवामा हमले को लेकर अहमद पटेल का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी नेता सिर्फ भाषण देने में ही अच्छी। श्रीनगर में पहुंची अर्धसैनिक बलों की 100 टुकड़ियां, गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 100 टुकड़ियों को अर्जेंट नोटिस पर घाटी में भेजा। 7 सितारा सरकारी बंगले पर सुशील मोदी के बयान पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा खूबसूरती को देखकर उनके पेट में मरोड़ उठ रहा है। गोपालगंज में आग से झुलसकर 4 बच्चे सहित 7 लोगों की मौत। बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात एक झोपड़ी नुमा घर में आग लग जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। सारे जहां से अच्छा में शाहरुख खान को रिप्लेस करने जा रहे हैं विकी कौशल। पूजा बेदी ने 48 साल की उम्र में की सगाई, बॉयफ्रेंड संग फोटो हो रही है वायरल। पूजा बेदी ने बॉयफ्रेंड मानिक कॉन्ट्रैक्टर के साथ सगाई रचा ली है। सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि वैलेंटाइंस डे के दिन पूजा बेदी और मानिक कॉन्ट्रैक्टर ने सगाई की थी। आलिया भट्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में हुई इमोशनल। आलिया भट्ट दिल्ली में अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी से लौटी हैं। आलिया भट्ट की दोस्त देविका आडवाणी की हाल ही में शादी हुई है, जिसमें आलिया इमोशनल होते दिखी। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।